हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो भाई लोग? मज़े में हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले गेम ऑफ द ईयर नॉमिनेशन 2023 से लेके। तो मैं आपको बता दूँ, जैसा आपको पता होगा कि इस बार का गेम ऑफ द ईयर नॉमिनी रिवील हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से गेम है और कौन सा गेम जीत सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से गेम नॉमिनेट हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जेल्डा टीयर्स ऑफ ड्रैगन सबसे पहला गेम ये नॉमिनेट हुआ है। उसके बाद बाल्डुर गेट 3 है, रेजिडेंस एविल 4 भी पहुंचा है, सुपर मारियो ब्रॉस वंडर भी गया है, स्पाइडरमैन 2 और एलेन वेक 2। अराउंड 6 गेम इस बार नॉमिनेट हुए हैं। इस बार मुझे बहुत ही बड़ा सदमा लगा कि एक्सबॉक्स की तरफ से कोई गेम नॉमिनेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, पास्ट काफ़ी कुछ टाइम से एक्सबॉक्स का कोई भी गेम नॉमिनेट होता भी है तो जीत नहीं पाता है। भाई ये काफ़ी स्ट्रेंज हो रहा है। आई होप एक्सबॉक्स वाले इस बार इम्प्रूव करें। तो हम बात करते हैं एलेन वेक 2 से लेकर। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका पहला पार्ट आया था एलेन वेक 1, जो कि 2010 का था और ये क्लासिक कल्ट हिट हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, ये लोगों ने कुछ वीक पहले ही एलन वेक 2 लाया और इतने कम समय में इतना अच्छा गेम हुआ भाई, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और गेम ऐसा हिट हुआ कि गेम ऑफ द ईयर के नॉमिनी में भी ऐड हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये लोगों ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। और इस बार अगर आप गेम खेलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई ये गेम क्यों ऐड हुआ है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि इतने कम समय में इतना बड़ा इम्पैक्ट ये लोगों ने किया। तो नेक्स्ट गेम है बाल्डुर गेट 3। तो मैं आपको बता दूं, ये गेम अगस्त में पूरी तरह से ऑफिशियली लॉन्च हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो मेटा क्रिटिक स्कोर है वो सेम है द लेजेंड ऑफ जेल्डा टीयर्स ऑफ द किंगडम गेम के लेवल की तरह। और इस बार इन्होंने ने काफ़ी ज़्यादा हेवी फोकस किया है डिसीजन मेकिंग पे। इवन जो आप गेम देखोगे उसका हाई क्वालिटी है, नैरेटिव डिजाइन काफ़ी बेटर बनाया गया है। और इस बार बहुत सारे कैरेक्टर को लोगों ने अच्छा से इंट्रोड्यूस भी किया और बहुत ही अच्छा से गेम प्ले भी चलाया है। और इस गेम में मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़र बोर भी हुआ होगा, यानी ये लोगों ने एक अच्छा सा सीरीज मेंटेन किया है। और यही नहीं, मैं आपको बता दूँ, ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ जेल्डा टीयर्स ऑफ द किंगडम। तो मैं आपको बता दूँ, निंटेंडो वालों की तरफ से ये गेम आया है और भाई ये गेम गजब का, यानी जो इसका सीक्वल था ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, उसको ये परफेक्टली मेंटेन किया। भाई मेंटेन करना चाहिए तो ऐसे करो कि लोग भी पागल हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ, ये लोगों ने डिस्कवरी क्रिएटिव डिजाइन पिलर काफ़ी अच्छे से किया है और इसी के तहत लोगों ने इसे पसंद किया और ये गेम आपको गेम ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन में दिख रहा है। और नेक्स्ट है गेम मार्वल का जो है स्पाइडरमैन 2। भाई इस गेम को मैंने खेला और फर्स्ट डे खेला था, ये लोगों ने गजब का रेपुटेशन मेंटेन किया। तो मैं आपको बता दूं, इसका पहला पार्ट आया था 2018 में जिसमें पीटर पार्कर था और ये गेम प्लेस्टेशन 4 यानी PS4 का बेस्ट सेलिंग गेम था। और यही नहीं, उसके बाद वो लोग ने 2 साल बाद 2020 में हाफ सीक्वल गेम लाया जिसका नाम था माइल्स मोरालेस। भाई ये गेम भी गजब का मेंटेन किया। तो ये उसी का सीक्वल है मार्वल का स्पाइडरमैन 2। इस गेम में आपको बहुत सारा विलियंस मिलेंगे, जैसे क्रेवन है, वेनम है और लिजार्ड और बहुत सारे। अगर आप इस गेम को खेलोगे तो पता चलेगा। और सच में ये गेम डिजर्व करता है गेम ऑफ द ईयर के लिए भी। और ये गेम 20 अक्टूबर को आया था और उसके तहत अगर आप देखोगे तो मोस्टली 1 मंथ भी नहीं हुए और ये गेम गेम ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन में, यानी आप समझ सकते हो कि गेम कैसा है। तो नेक्स्ट है रेजिडेंस एविल 4 रीमेक। तो मैं आपको बता दूं, ये लोग भी अपना गेम का सीक्वल बना रहे हैं यानी रीमेक कर रहे हैं। इसके पहले रेजिडेंस एविल 2 पे काम किए थे, फिर 3 पे और 2023 पे रेजिडेंस एविल 4 पे काम हुआ है। और ये लोगों ने पूरा का पूरा स्टोरी पूरा का पूरा सेम आइडेंटिकल रखा है 2005 वाले गेम पे। और इसमें ये लोगों ने विजुअल को काफ़ी इम्प्रूव किया जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये गेम आके टपक गया गेम ऑफ द ईयर पे। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी गेम हो जो रीमेक और रीमास्टर वो गेम ऑफ द ईयर पे आए। डेवलपर लोग काम करते हैं, मैं उनके काम को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये गेम ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप रीमेक करते हो तो किस तरह से गेम नया हो रहा है, राइट? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसके तहत नया गेम और रीमेक में लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि नहीं भाई ये गेम ये था। अगर आप रीमेक को इंट्रोड्यूस करोगे तो हर गेम जो गेम ऑफ द ईयर होगा वो नेक्स्ट टाइम रीमेक करेगा फिर रिमास्टर करेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद ये लोग कुछ चेंज करें इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट गेम है सुपर मारियोस ब्रॉस वंडर। भाई ये गेम भी गजब का गेम है। मैं बचपन में टीवी पे वीडियो गेम खेलता था, उस टाइम सुपर मारियो गेम खेलता था, यानी 2D में रहता था उस टाइम, और भाई गजब का मजा आता था। उसके बाद ये लोगों ने गेम को काफ़ी इम्प्रूव किया है और ये गेम 20 अक्टूबर को आया था और आया भी भाई ऐसा कि तबाही मचा दिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये गेम काफ़ी अच्छा ये लोगों ने बनाया है। इसका जो विजुअल है, ग्राफिक्स, जो न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्रिएटिव, और कहीं भी आप बोर नहीं होगे। मतलब छोटा टाइप का गेम काफ़ी आपको हुक करते जाएगा, ऐसा लगेगा कि वाह थोड़ा सा और खेल लो, थोड़ा सा और खेल लो।
और सच में ये गेम डिजर्व करता है। और ये गेम 20 अक्टूबर को आया था, मतलब कि स्पाइडरमैन और ये दोनों सेम डे पे आए थे और ये दोनों का दोनों गेम गेम ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन पे है। तो जो भी हमने 6 गेम के बारे में बात की, तो मैं आपको बता दूं इसका मेटा क्रिटिक्स स्कोर अभी आप देख सकते हैं, जिसमें कि जेल्डा टीयर्स बाल्डूर गेट काफ़ी टॉप पे है और एलियन वेक नीचे है, लेकिन सारे गेम एक से एक है। तो हम मूव करते हैं कि प्रेडिक्शन कि भाई कौन सा गेम जीत सकता है। हर यूज़र का डिफरेंट ओपिनियन होगा, कोई बोलेगा बाल्डूर गेट, कोई बोलेगा स्पाइडरमैन, कोई बोलेगा सुपर मारियो, और हर कोई अलग अलग ओपिनियन देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो मैं तो बोलूंगा कि बाल्डूर गेट इस बार लग रहा है कि ये जीत रहा है, क्योंकि जो इस बार उन्होंने गेम बनाया है उसमें यूनिक कैरेक्टर, ब्यूटीफुल आर्ट डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी इंगेजिंग, और कॉम्बैट भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। और ये गेम ऐसा है कि आप खेल के भी प्राउड फील करोगे, यस भाई ये गेम तो जीतना ही चाहिए। और अगर आप मेरा सेकेंड ओपिनियन मांगोगे तो मैं बोलूंगा कि स्पाइडरमैन 2 जीत सकता है, भाई ये गेम रिकॉर्ड तोड़ चुका है PS5 पे। तो आपका क्या ओपिनियन है अभी आप कमेंट में बता सकते हैं। हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं भाई बाल्डूर गेट नहीं जीतेगा, तो प्लीज़ भाई लोग कमेंट में ठोको और बताओ कि क्या क्या हो सकता है। आज के लिए बस यहीं तक, बाय।